अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपने हमें 12 घंटे का समय दिया था, अभी तो 6 ही घंटे हुए। आज ये कागज साइन होके रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। हमने चिंगारी तो लगा दी है, अब बस आग लगने की देर है। गुस्से और बौखलाहट में कसमीजा दीदी कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगी, हमें बस उसी का इंतजार करना है। ये वही है जिसके लिए तुम यहां अभी तक टिकी हुई हो। 5 लाख हैं, ये लो और तपा हो जाओ यहां। तुम्हारी शक्ल एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं अपने घर में। काश आपको बता सकती कि यहां रहकर आपको दुखी नहीं करना चाहते। हम तो बस यही चाहते हैं कि आपके और सूती दीदी के रिश्ते में कोनो आंच ना आए। अगर हमरी सकल आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तो ये हमरी समस्या कैसे है? बात तो 1 करोड़ की हुई थी ना, तो उससे नीचे कुछ भी नहीं लेंगे हम। अब आप समझ गए हैं कि जोर जोर से चिल्लाएं हम तुम्हें तो मैं क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा था यहाँ पे? कुछ नहीं, वो कल से तेरा मूड खराब है ना, बस उसी बारे में रेवा से डिस्कस कर रहा था। उन्हें कन्विंस कर रहा था कि थोड़े दिन और रुक जाए यहाँ पे। वैसे भी ये तेरे आसपास होती है तो तुझे अच्छा लगता है ना। ताज, मैं सोच रही थी कि किसी को हम कब तक जबरदस्ती रोकेंगे, है ना? उसकी भी तो एक जिंदगी है ना हम सबसे दूर। तो अब अगर रेवा तुम्हें जाना है ना तो तुम चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये बॉक्स में क्या है? वो इसमें प्रसाद है। अच्छा, कितनी आसानी से बहाना बना दिया इसने, वो भी भगवान के प्रसाद के नाम पर।
अरे वाह, आज तो टेबल पे बहुत कुछ नजर आ रहा है, इम्प्रेसिव। अरे अभी बहुत कुछ बाकी है जीजू, लाइए लाइए। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारी श्रुति की चेहरे की मुस्कान से पता चल रहा है कि इन्होंने आज किचन में बहुत मेहनत की है। तो देखिए ना, इन्होंने क्या क्या बनाया है, पास्ता, चीज सैंडविच, पिज्जा। शुरू करिए, इन्होंने अपने नाजुक कमसिन हाथों से बनाया है। चाची, मेरे मुंह में कब से पानी आ रहा है, जल्दी खाना दो ना। ऑफ कोर्स। अरे भाई, पहले उसको ही दे दो, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी यहाँ पे। अरे भाई, ऐसा क्या बना दिया रेवा ने जो सब ठूस ठूस के खा रहे हो? वो तब से बुला रही हूँ, उसे बताती भी नहीं कि क्या बना रही है। हाय हाय, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए? रेवा ने खाना बनाया है? श्रुति, तुम तो कह रही थी कि खाना तुमने बनाया है आज। भाभी, सारा खाना सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाया है। हाँ दादी जी, श्रुति दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम तो बस किचन में सलाद काट रहे थे। आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, ये लीजिए पिज्जा। आप खाओगे एंजल? ये लो राज। लो, खाना खाओ। नहीं चाची, मुझे नहीं खाना। खाओ जल्दी। रुकिए, आप जाइए, हम खिलाते हैं। शेफ, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है ना? हम खेले बॉक्सिंग हमारे साथ। हाँ। चलो, इस बच्ची को पता नहीं हमें कृष्णा के झलक देते। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 9:30 बजे। मैंने देखा आज जो आपने किचन में किया, थैंक यू सो मच। श्रुति का जला हुआ बर्बाद खाना आपने ठीक किया। आप सच में उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। हे शंकरा, श्रुति दीदी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ऐसा परिवार, ससुराल और सुहाग भी सौभाग्य ही है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये लो, खा के देखो ना, तुम तो कुछ भी नहीं खा रहे हो। बताओ तो सही कैसा बना है, मैं खिलाऊं तुम्हें? एक मिनट। आज खाना भले ही तुमने बनाया, लेकिन पहला निवाला मैं राज को खिलाऊंगी। भले उसकी शादी हो गई है, लेकिन हक तो मेरा है ना उस पर पहला। ऑफ कोर्स। दीदी, आप कितना सोचती है सबके बारे में, है ना? आपसे अच्छी बहन तो मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी। क्योंकि इनसे अच्छी बहन है ही नहीं दुनिया में। मेरी दीमा बेस्ट है। माँ समान बहन अपने खून के भाई की जान लेने के पीछे तुली ना हूँ मैं उसके खून की प्यादी हूँ। हे शंकरा, इनके हाथ से लगकर तो अमृत भी जहर हो जाए। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि खाना हम सहरी साहब को खाने नहीं दे सकते। भले ही इसके लिए हमें अपनी खुद की जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े।
क्या तरीका है? क्या बात है बेटा, कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों किया तूने? हाय हाय, झूठ बोलो तो ये खाना किसी को हजम ना हो। अरे इतनी भूख लगी थी तो दूसरी प्लेट ले लेती, किसी के मुंह का निवाला ऐसे छीनते है क्या? जो गलती करने की उम्मीद तुम मुझसे लगाए बैठी हो, वो गलती बहुत जल्द तुम करोगी और खुद को सबकी नजरों में गिरा लोगी। What is this यार? आप में से किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं है और ना ही मेरे बनाए हुए खाने पर। सुबह से मैं आप लोगों के लिए खाना बना रही हूँ पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतनी पसीने बस इधर आओ। तुम्हें पता है तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सच? एक और बात, जो पति लोग होते हैं ना, इनके दिल का रास्ता इनके पेट से होकर जाता है। बस तुम्हें ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाना है और रात को खिलाना है, फिर देखना तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। और श्रुति, तुमने बनाया इतना सारा खाना और तुम्हें मिल गया आलू गोभी भरता पालक ना बनाने का बहाना। पर बेटा खाना तो बनाना पड़ेगा रोज, इसी बात पे ले आओ इस पिज्जा के लिए टोमेटो सॉस। वाह 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 वाह, खाइए। वेरी फनी। आखिर बात क्या है, रेवा ने ऐसा क्यों किया? हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फालतू में बौखला गए हम, सबके सामने अपना तमाशा बना दिया। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं। पता है क्या, मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हें ऐसे बेचैन देख कर। देखो क्या है ना, राज का काम तो मैं अपने तरीके से तमाम कर दूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है कोई तो बात है, कोई तो राज है ना? क्या हुआ रेवा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैंने किसी दुखती नस पे हाथ रख दिया क्या? मैं कह रही थी ना, मेरा दिल कह रहा था कि कोई तो राज जरूर है जो तुम राज को बचाने के लिए इस हद तक चली गई। क्यों? हाँ? अब बता भी दो क्या बात है, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सच्ची। आ बताओ। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर ले कश्मीरा दी, हमें अपनी बातों में नहीं उलझा सकती। श्रुति दीदी अपने पति से बहुत प्यार करती है, उनकी जान बसती है उनमें, तो उनकी खुशियां बचाने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा ना, हम वो करेंगे। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है हमें। और वैसे भी हमसे तो आप बिल्कुल नहीं जीतने वाली। वो तो हम बाद में देख लेंगे, आपस की बात है ना, देख लेंगे। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही, श्रुति जो खुद राज की पत्नी है वो तक सहर ना खाए, फिर तुम क्यों? तुम तो मेरे ख्याल से सिर्फ उसको हफ्ते भर से जानती हो ना, और तुम उसके मरने के लिए भी तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि श्रुति दीदी हमें अपनी बहन मानती है और हमने इस घर का नमक खाया है, इसका कर्ज उतारना हमारा फर्ज है। इस घर का नमक तो मेरी वजह से ही चलता है, तो वफादारी मेरी और भी बननी चाहिए। नहीं? चलो छोड़ो, अगर तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूं, निभाओ तुम अपना फर्ज।
क्योंकि उसके बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तुम्हें पता नहीं है राज को मिठाई बहुत पसंद है और जहां तक मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक अपने आप को रोक पाए इस डिब्बे से मिठाई खाए बिना। उसके बाद क्या होगा तुम जानती हो ना, दम है ना तो रोक के दिखाओ। कश्मीरा दीदी तो अपनी हर चाल के साथ और भी नीचे गिरती जा रही है। अब हम कैसे रोके सहरी साहब को ये लड्डू खाने से? हमें आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तुम्हें डरवर नहीं लगता क्या? अभी श्रुति ने ऑलमोस्ट हमें पकड़ ही लिया था, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम यहां चली आई। ले लिया ना 5 लाख, अब कम से कम 5 घंटे तो दूर रहो मुझसे। देखिए, आपको हमारी जितनी बेइज्जती करनी होगी ना आप बाद में कर लीजिएगा, अभी बस हमारी एक बात सुन लीजिएगा। शाम की पूजा से पहले आप किसी का दिया कुछ भी मत खाइएगा। भीख मांग रहे हैं आपके सामने, विनती कर रहे हैं आपसे, कुछ मत खाइएगा। हम पैर पड़ते हैं आपके। क्या कर रही हो ये सब? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो, क्यों नहीं खाऊंगा मैं? और तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हमरा कोनो रिश्ता ना, पर इंसानियत का रिश्ता तो है ना हमरे बीच। हम आपके सामने विनती कर रहे हैं, किसी का भी आप कुछ मत खाइएगा, बस हमरी इतनी सी बात मान लीजिए, कुछ भी नहीं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जाओ इससे पहले कोई हमें साथ में देख ले। और ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। राज को मिठाई बहुत पसंद है और जहां तक मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शाम तक अपने आप को रोक पाए इस डिब्बे से मिठाई खाए बिना। देखिए, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना तो आपको पता है हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी ना करें तो जैसा कह रहे हैं वैसा चुपचाप कर लीजिए। शाम की पूजा से पहले आपके गले से अन्न का एक भी दाना नहीं उतरना चाहिए। बाद में खा। मेहनत से बनाइए राज।
माय हस्बैंड, माय बेबी, प्लीज खा लो, इतने प्यार से बनाया है मैंने आपके लिए। नहीं, बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज। रोमांस के नाम पे ना कुछ सोचता नहीं है तुम्हें, पर अभी नई नई शादी हुई है हमारी, कोई मानेगा? प्यार से खिला रही हो राज, खा लो ना थोड़ा सा प्लीज, टेस्ट करके तो देखो एक बार। क्या कर रही है श्रुति, बोर्ड होना भी मन नहीं है, फिर क्यों जबरदस्ती कर रही है? काम है मुझे, शांति से काम कर लेने दे। राज मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, हैरान मत हो राज, मुझे दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे, सुन लिया था मैंने जब वो तुम्हें कह रही थी इसी वजह से कुछ नहीं खा रहे ना तुम, छुपा रहे हो राज तुम मुझसे।